अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग पराठे बनाने के लिए पेड़े रेडी किए हुए थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से वो कहीं काम चले गए हैं, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टाइम उनका वेट करता रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा भूख पर अपने पर, इसलिए मैंने खुद ही शुरू किया। 5 पेड़े भाईजान ने बनाए थे, जिनमें से एक तो अभी इधर पड़ा हुआ है, मैंने ये डालना है तवे के ऊपर, एक तवे के ऊपर ये है जिसको करना रेडी, और एक ऑलरेडी माशाल्लाह बन चुका है, क्योंकि भाई जान ही बनाते हैं इसको परफेक्ट करके। लेकिन वो अभी हैं तो मेरे छोटे भाई, लेकिन उनको हम बोलते प्यार से भाई जान हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं कहीं, तो उनका कोई पता नहीं कब तक आएंगे। मैं सुबह नाश्ते से इंतज़ार कर रहा हूँ, और नाश्ते से लेकर अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी दोपहर के खाने का भी टाइम आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही इनको शुरू कर दूँ। ये अपनी रूटीन है इधर की, कुवैत की। जो लोग पाकिस्तान में बैठ के जो बोलते हैं जी हम बाहर जाना है, बाहर जाना है, उधर उनको कपड़े भी घर के माँ बहनें इस्त्री करके देती हैं, खाना ब्रेकफास्ट रेडी होके, लंच डिनर सब कुछ रेडी होके मिलता है, और इधर आके सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, काम भी और सब, कपड़े धोना, खाना पकाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ खुद ही आपको करना पड़ेगा। तो ये देखें अभी माशाल्लाह अभी हम तैयारी हो रही है, अभी ये दूसरा पराठा है इंशाल्लाह, ऑलमोस्ट लगता है ये भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, इंशाल्लाह किसी टाइम छोटे भाईजान बना रहे होंगे तो आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। ये भी लगता है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, थोड़ा सा फायर को तेज करते हैं और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालते हैं। ये ओलिव ऑयल लगा रहे हैं इसको जी, इस तरफ भी लगा देते हैं। ऑलरेडी इनके अंदर घी तो लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा ड्राई से हो रहे हैं, लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इनको ओलिव ऑयल भी लगा देते हैं। ये भाई जाने घी लगा के गए हैं इसको, ये घी के डब्बे पड़े हुए हैं, अभी लगता है इंशाल्लाह ये भी रेडी हो चुका है। चलो ये तो रेडी हो गया, अभी तीसरे का करते हैं कुछ। ये अभी तीसरा भी डाल दिया है, थोड़ा सर्कल का ही लगा देते हैं साइड में, नीचे लाग ना जाए, क्योंकि हम तो नाड़ी हैं, पकाने वाले खिलाड़ी अभी इधर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। ये अभी तीसरा देखें आप, पराठा मारना माशाल्लाह, भूख भी काफी जोर की लगी हुई है। दिल तो करते हैं इन दोनों को भी रेडी करके खा जाऊं, लेकिन फिर बोलता हूँ भाई साहब बाहर से थके हुए आएंगे तो उनके लिए फिर रेडी करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अपना काम 3 पराठे से ही चलाते हैं, नहीं तो भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी है, अगर 5 भी मिलेंगे तो इस टाइम 5 भी खा जाएंगे। लेकिन चलो अभी 3 से ही आज काम चलाते हैं। चलो चलें, आज हमारे 3 पराठों के साथ ब्रेकफास्ट है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, आपको कंप्लीट थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे ये अच्छी तरह पराठे बनते किस तरह हैं।
और भाईजान से भी मुलाकात करवाएंगे। अभी तो दाल पड़ी है, वही गर्म करके खानी है। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।